हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू ट्वेंटी फाइव इज एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन यू आई हेज गिटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ये जो आई ऑफिसर जिनकी सर्विसेज होते हुए उनको 10 साल 15 साल भी हो चुके हैं राइट ये वैसा टॉपिक है ये ये उन लोगों ने भी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पढ़ा था आप लोग जो आज तैयारी कर रहे हैं आप भी स्कीम के बारे में पढ़ रहे हो और चांसेस हैं कि ये स्कीम आने वाले टाइम तक आगे भी चलती रहेगी राइट और ये स्कीम आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे उसको राइट जब आप सर्विस में आ जाओगे उसके बाद में भी ये आने वाले बच्चे इसको पढ़ते रहेंगे स्कीम का नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ना जिसको मनरेगा एम जी नरेगा मनरेग्स है ना और इन सब के नाम से जाना जाता है हालांकि एक्ट के अंडर ये स्कीम है राइट एक्ट और स्कीम ये दो अलग अलग चीजें हैं इस केस में राइट पर परपेचुटी ऑफ दिस टॉपिक आप थोड़ा देखिए कि ये कब से चलता आ रहा है 2005 की ये स्कीम है नाइनटीन का ये आइडिया है कि ऐसा कुछ होना चाहिए बेसिकली ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये आपके राइट टू लाइवलीहुड को इंश्योर करता है राइट और सबसे खास बात इसमें यह है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको कोई भी अवेल कर सकता है एनी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि बीपीएल फैमिली होनी चाहिए या ऐसा है या वैसा है हालांकि 2013 के ऊपर एग्जैक्टली exactly इसी चीज के ऊपर सवाल भी आया था राइट सेम चीज के ऊपर तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है इसके अंदर एक बच्चे अपडेट आई है कि अब ना एबीपीएस फॉर एमजी कंपलसरी हो गया है ना वॉट इज एबीपीएस इट इज आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम राइट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कि आपको अपना एम्प्लॉयमेंट के साथ में आधार अपडेट कराना होगा आधार के साथ में बैंक अकाउंट अपडेट आपका होना चाहिए तो आपकी जो पेमेंट है वो कंपलसरी कि अब आधार लिंक बैंक अकाउंट में ही आएगी राइट right? और हमने पहले भी क्लासेस uh, वगैरह में डिस्कस किया है कि इस टाइप की चीजें हम क्यों करते हैं क्यों हम चाह रहे हैं कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो क्यों हम ऐसा चाह रहे हैं हम किसको कट करना चाह रहे हैं बीच में से और ये करना सही है भी या नहीं राइट हालांकि ये वाले टॉपिक्स मेंस के टॉपिक ज्यादा फॉलो करते हैं हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे राइट अभी हम आगे चलते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर और अगर टाइम हुआ तो हम थोड़ा सा मनरेगा के बारे में भी देखेंगे कि स्कीम क्या है क्या करती है ये राइट आइए बच्चे तो ये पेमेंट जो है आधार लिंक पेमेंट जो है ये मैंडेटरी हो गई है फॉर एमजी है ना वर्कर्स फ्रॉम द न्यू ईयर ये बहुत बारी डिले हुआ है पांच बार ये फिफ्थ टाइम डिले होने के बाद में ये छवीं बार पक्का हुआ है ये Uh, मतलब पांच बार पहले डिले हुआ था डेडलाइन एक्सटेंड होती रही होती रही होती रही राइट आइए बच्चे सो मार्क द द द फिफ्थ प्रोलॉन्गेशन ऑफ डेडलाइन स्टेट गवर्नमेंट्स टाइम टू अलाइन दा बेसिस ठीक है बार 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 डिले किया कि कंप्लाई कि कंप्लाई कर कर लो कर लो अब ये पक्का हो गया इसके बाद में कुछ कंसर्न्स भी उठे हैं क्योंकि अभी हम देखते हैं बच्चे आगे चल के कंसर्न्स देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं कि जो ये पर्टिकुलर मनरेगा एक्ट है इनकम लॉस एंड ये इंपॉर्टेंट तो है, है आपका हाउस होल्ड चला रही है बहुत सारी जनता का चला रही है राइट ट्वेंटी टू एट्टी परसेंट ऑफ द इनकम लॉस इनकर्ड बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन इंड्यूज लॉकडाउन तो उसको इसने कंपनसेट किया था इसलिए हम इसको पढ़ रहे इसलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए यूपीएससी भी इसको टच करेगा राइट right. <coughs> क्यों कर रहे हैं टू स्ट्रीम लाइन वेस्ट डिस्बर्समेंट एंड एनहेंस ट्रांसपेरेंसी ऑब्वियसली है ना वहां पे आप झूठ नहीं बोल सकते हो सिस्टम रिक्वायर्स वर्कर्स आधार डिटेल्स टू बी लिंक टू देर जॉब कार्ड एमिंग टू एक्सपीडाइड पेमेंट एंड मिनिमाइज रिजेक्शन ठीक है बच्चे साथ में जो एक्टिविस्ट का कंसर्न आया है एक कंसर्न आया एक्टिविस्ट ने साथ में थोड़ा सा कंसर्न जताया था इज दैट कुछ वर्कर्स इन एलिजिबल हो गए इनफ्रिंजिज अपॉन दी राइट टू वर्क क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एक्ट है स्पिरिट ऑफ एक्ट पास बाई दार्लियमेंट कि आपका राइट टू लाइवलीहुड है चाहे आप कोई भी हो उसके स्पिरिट के अगेंस्ट है थोड़ा बहुत है भी अगर हम थोड़ा स्पिरिट की बात करें यहां पर या फिर हम आइडिया आई, की बात करें तो थोड़ा सा है भी लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें इंक्लूसिविटी की बात करें राइट तो उस डायरेक्शन में भी है और पांच डेडलाइंस जो हैं वो आगे ऑलरेडी एक्सटेंड हो भी चुकी हैं सो आप अपना मन बनाइए इसके ऊपर कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में क्योंकि मेन्स का आंसर आपने लिखना है और उसके अंदर कुछ भी हो सकता है मतलब अगर उसने कमेंट करने को बोल दिया तो आपको अपना कमेंट लिखना पड़ेगा तो मेकअप योर ओन ओपिनियन इस केस में आइए बच्चे क्या कंसर्न है इसके अंदर जो डेटा आया है अकॉर्डिंग टू यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बाय द वे यही इसकी नोडल एजेंसी भी है इस पर्टिकुलर स्कीम की 34.8 परसेंट ऑफ जॉब कार्ड होल्डर्स रिमेन इन एलिजिबल इंपॉर्टेंट है ये ये कंसर्न है बच्चे ऑफ दोड रजिस्टर्ड वर्कर्स ट्वेल्व पॉइंट सेवन ऑफ एक्टिव वर्कर्स आर स्टिल नॉट एलिजिबल रजिस्टर्ड तो है ही है उसके बाद में जो एक्टिव है जो रोजाना काम भी कर रहे हैं रेगुलरली काम भी कर रहे हैं राइट right? उनमें से भी आपके 12.7 परसेंट जो हैं वो एक्टिव भी इन एलिजिबल हो गए हैं आप थोड़ा सा इसके अंदर फेस करना पड़ सकता है उन लोगों को आइए बच्चे और एक और कंसर्न है बच्चे ग्राउंड रिपोर्ट्स एंड एनेक्टोटल एलिजिबल जॉब कार्ड आपने स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि ये करना ही है,

इसके अलावा लीगल राइट टू वर्क कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है वो ये एक्ट है राइट right? इसके अलावा जितनी भी आपकी ट्रिवियल डिटेल्स है वो सारी इसके अंदर है एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग द द वीडियो दिस मिनट टू पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर यिलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू प्लीज चेक आउट अभिमन यू आई एस करंट अफेयर मास्टर कोर्स ट्वेंटी it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak. and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.